महिलाओं की पैदाइश है तुम्हारी, चुप आरामी कहीं का। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर जिस तरह से दो विधायकों के बीच ताबड़तोड़ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गई, और इसके बाद दोनों विधायकों का जो बयान आया है, हम बयान आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दोनों विधायक, जो कि एक राजद के भाई वीरेंद्र विधायक हैं और साथ ही साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी, के बीच ताबड़तोड़ गालियां चली, अपशब्दों का बौछार किया गया और साथ ही साथ सदन की जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको तार तार किया गया। और इसके बाद जो दोनों विधायकों का बयान आया है, सबसे पहले वो सुनिए। तुम काम करता हो तो हम ऐसे संस्कार के नहीं हैं, जो लोग करता है वो जाने, और हम इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन ये दुखद घटना है। देखिए, सबसे 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 बड़ी चीज है कि हमारा जो एज है और उनका जो एज है, उसके अनुसार अगर तुम कोई हमको बोलता है और संस्कार पर आरोप लगाता हो कि संस्कारी लोग नहीं है, आप सभी जानते हैं कि हम कैसे संस्कार के लोग हैं। सदन के अंदर और हम कभी भी किसी को तुमताम नहीं करते हैं। हमसे जो छोटे माननीय विधायक होते हैं, मैं उनको माननीय विधायक ही कहता हूं, और हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और ये लोग गलत लोग हैं और सरकार में शामिल हैं, और बिजनेस उनका जो है हम जानते हैं और सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस वो करते हैं। इस मुद्दे को क्या सदन के अंदर, इस सदन के क्या मामला, ये मामला ये सदन का नहीं, ये बाहर का मामला था। और उनको जो उन्होंने बोला, हमने भी तरीके से जवाब दिया। ठीक है सर, ठीक। क्या लगता है क्या है, लोगों ने 15 साल बिहार को लूटा है, शराबबंदी हो गई, बालू माफियागिरी खत्म हो गई, और सरकार किसी हालत में भी ऐसे तत्वों को प्रश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक आक्रोश होता है मन में, तो लेकिन वही आक्रोश निकल रहा है इन लोगों का, संस्कार जैसा होगा वैसा ही भाषा निकलेगी। तो आपने सुना कि दोनों विधायक संजय सरावगी और भाई वीरेंद्र, एक राजद के विधायक हैं और एक बीजेपी के विधायक हैं, दोनों ने किस तरीके से अपने अपने शब्दों का जो गालियाँ दी थी उनका बचाव किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह के माननीय विधायक का सदन के बाहर गाली देना शोभा देता है। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।